गाइस वेलकम बैक टू मैं यूट्यूब चैनल तो यहाँ पे मैं काफी दिन से नहाया नहीं था इसीलिए मैं स्विमिंग पूल में नहाने के लिए आ जाता हूँ। नहा के तो काफी ज्यादा मजा आ गया। अरे भाई ये कॉल किसकी आ रही है? ये तो फ्रैंकलिन की कॉल है। हाँ भाई फ्रैंकलिन क्या हुआ? अरे भाई मुझे बचा ले, मेरे पीछे इविल नन पड़ गई है। अरे मुझे मारना मत। वो पैकेज देखे हुआ फ्रैंकलिन को। अरे फ्रैंकलिन सुन यार, उसने तो कॉल ही कट कर दिया यार, मैं फ्रैंकलिन को बचाने के लिए जाना पड़ेगा। फ्रैंकलिन ने मुझे बताया कि उसके पीछे इविल नन पड़ चुकी है। फ्रैंकलिन ने मुझे एक वीडियो भेजी है, वो मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। अरे कैसे? तो इविल नन है तो दिखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही है। और हमारा फ्रैंकलिन कहाँ है? वो भाई ये रहा फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन के साथ तो एक बंदा भी है और ये अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। मुझे लग रहा है भाई इविल नू फ्रैंकलिन के ऊपर अटैक कर दिया, उसको जान से मारना चाहती है। मैं तो फ्रैंकलिन को बचाने के लिए जाना पड़ेगा। गाइस तो यहाँ पे चलो जल्दी से कपड़े चेंज कर लेते, मैं एक अच्छी से शर्ट पहन लेता हूँ और निकल पड़ता है फ्रैंकलिन को बचाने के लिए, क्योंकि फ्रैंकलिन हमारा बेस्ट फ्रेंड है। हमारे होते हुए हम अपने दोस्त को कुछ भी नहीं होने देंगे। गाइस तो यहाँ पे देखो बढ़िया, और देखने में ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही है। मुझे जल्दी से जल्दी जाना होगा फ्रैंकलिन को बचाने के लिए। ओह भाई कैसे, तो बहुत ज्यादा गलत सीन हो गया। हम फ्रैंकलिन को बचाएंगे कैसे? मुझे तो पता भी नहीं है फ्रैंकलिन है कहाँ पर। मैं सोच रहा हूँ कौन सी गाड़ी को लेके के जाऊँ, तो ब्लैक वाली ब्लेरो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। मैं जब से उसको लेके के आया हूँ मैंने चलाकर भी नहीं देखी है, तो एक काम करते हैं कि चलते हैं। इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है, उसके अंदर पावर भी बहुत ज्यादा है, इविल नन को कुचल के भी मार सकते हैं। अगर इविल नन मेरे सामने आ जाती है तो फटाफट उसको भाग के ले चलते हैं, ज्यादा बात नहीं करते क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, वरना वो इविल नन जो है फ्रैंकलिन मार के कच्चा खा जाएगी। तो जल्दी से ओपन हो जाए, खुल जाए सिम। अरे रुक जा, रुक जा भाई, कहाँ पे जा रहा है? यहीं पे रुक जा। अरे गाइस ये लोग कौन है? हटो भाई, सामने से मुझे लेट हो रहा है। अरे नीचे उतर, गाड़ी से तुझे बहुत मारेंगे। अरे भाई क्या हुआ, काले कौवे तो मुझे क्यों बुला रहा है? ये गाड़ी हमको दे दे, हम इस गाड़ी को चुराना चाहते हैं। क्या कह रहे हो, ये गाड़ी मैं तुझे दे दूं? तुझे इतना मारूंगा ना मैं गाड़ी चुराना भूल जाएगा। अबे जल्दी दे दो वरना मारेंगे तुझे। अबे भाई तुम्हें तो AK-47 से भून दूंगा। ये लो भाई तुम्हारी तो मौत निश्चित है अब। अरे भाई लोग देख के आ रहे हैं, उसको पकड़ लो यार, जल्दी से पकड़ो ये वरना हमें मार देगा। हाँ तुम सबको अकेले मार दूंगा। भाई जे क्या हुआ है, इन लोगों ने तो मेरे ऊपर अटैक कर दिया, इनको तो मानना पड़ेगा। लेकिन यार इतने सारे लोगों को मैं मारूं तो मारूं कैसे? गाइस जो तो बहुत ज्यादा लोग हैं यार, ये तो काफी तो हट्टे कट्टे लोग हैं। बट भाई मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला हूँ। आ जाओ भाई एक एक करके आओ। बड़े यार ये तो एक साथ मेरे ऊपर अटैक कर दे, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा यार, क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं थोड़ी देर और यहाँ पे रुकता हूँ ना तो लोग मिलके मुझे मार देंगे, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा लोग हैं। इस वाली गाड़ी में बैठ के यहाँ से निकल लेता हूँ फटाफट, अगर क्योंकि मैं वहाँ पर रुकता ना काफी देर तक तो वो लोग मुझे मार देते और वहाँ पर इविल नन फ्रैंकलिन को कच्चा मार के खा जाते। बट मुझे फ्रैंकलिन के पहले लोकेशन पता करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ जिनको हर चीज की खबर रहती है, तो पहले मैं उन्हीं के घर पे जाने वाला हूँ। तो यहीं पर उनका घर था, उनसे जाके मैं पूछता हूँ कि इविल नन कहाँ पर मिलेंगे, वो मेरी मदद जरूर करेंगे। चलो इस वाली गाड़ी को यहीं पे खड़ी करते हो और जल्दी से अंदर जाके पूछते तो आंतरिक बाबा से कि इविल नन कहाँ पर मिलेंगे, वो फ्रैंकलिन को लेके कहाँ पर गई है, तो यहीं पे होने चाहिए। अरे बाबा फ्रैंकलिन को किडनैप कर लिया, इविल नन मुझे कहाँ पर मिलेंगी? अरे बच्चा इविल नन जंगल के बीच में जब भूतिया घर है वहाँ पर मिलेंगी। अरे थैंक यू बाबा यार, चलो यहाँ पे, मैं बाबा ने लोकेशन तो बता दिया। बाबा ने बताया कि इविल नन जो है जंगल के बीच में जो भूत घर है वहाँ पर मिलेगा। चलो चलते हैं, छे लोग मुझसे डरते हैं क्योंकि मैं सिटी का बहुत बड़ा गैंगस्टर हूँ ना इसलिए, बट उसको पता नहीं है अभी मैं कितनी ज्यादा बड़ी मुसीबत में हूँ। मुझे अपने दोस्त फ्रैंकलिन को बचाना पड़ेगा वरना ये इविल नन उसको मार देगी। भाई उसका लुक देखोगे जैसे अंदर से कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये तो उसको चलाने में तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। बट ये क्या हुआ कि जब पुलिस हमारे ऊपर क्यों आ गई, हमने तो कुछ करा भी नहीं है यार। चलो जल्दी से नीचे उतर के इनसे बात कर लेते हैं। अरे पुलिस ऑफिसर मेरी बात सुनो, अभी मुझे मत मारो, मैं बहुत बड़ी मुसीबत ना हूँ, प्लीज मुझे मत मारो यार, इनको तो कैसे मानना पड़ेगा, ये तो मेरी बात सुनने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ये तो भाई ये लो इनका कर दिया कैसे, मैंने काम तमाम प्रकट लॉन्चर मार के। वो भाई एक पुलिस वाला और आ गया, उसको भी मारता हूँ। ये लो बट यहाँ पे तो हमारे कार भी ब्लास्ट हो चुकी और ये पुलिस की कार भी ब्लास्ट हो चुकी। चलो जल्दी से शोरूम में जाके मैं एक कोई न्यू कार परचेस कर लेता हूँ या कोई बाइक परचेस कर लेता हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। भाई इसको और उड़ाता हूँ, उसके अंदर का ही ज्यादा गर्मी हो रही है, हमें पकड़ने के लिए ज्यादा उत्सुक हो रहा है। चलो यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम में वेस्ट कर दूं या फिर मैं कुछ सुपर कार परचेस कर लेता हूँ। ये वाली बाइक मुझे बहुत ज्यादा पसंद आती है, उसको फाइनली हमने कर लिया है परचेस। बाइक का नाम है कि हायाबुसा, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो ताकि पुलिस हमारा पीछा ना कर भाई, क्योंकि हम वैसे भी ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं, मगर और लेट होते हैं ना तो इविल नू फ्रैंकलिन को मार के खा जाएगी। तो ये खड़ी हुई है हमारी हायाबुसा, देखो कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है और ये लोग हमारे लिए कितना अच्छा सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं। थैंक यू भाई थैंक यू। चलो
फटाफट से यहाँ पे मैं लोकेशन मार्क कर लेता हूँ, पहले भूतिया करके। लोकेशन तो मैंने मार्क कर ली है, अब जल्दी से इसको भगा के लिए चलते हैं। भूतिया घर और इविल नन को जाके सबक सिखाते हैं, उसको भी तो पता चलना चाहिए भाई उसने किसके दोस्त को किडनैप करा उसकी। तो गाइस मैं ऐसी तैसी कर दूंगा, उसकी भैंस की टांग उसने फ्रैंकलिन पकड़ा तो पकड़ा कैसे। तो भाई एक बार कैसे, तो भाई एक बार इस गाड़ी की स्पीड चेक करो भाई, इसके अंदर तो बहुत ज्यादा स्पीड है और उसका लुक भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो फाइनली अपन पहुंचने वाले जंगल में, देखो यहीं से मुझे जंगल के पेड़ दिखाई देने लगे हैं। बट अभी प्रॉब्लम ये है कि यार मैंने भूत घर देखा नहीं है, मुझे भूत घर ढूंढना पड़ेगा कि भूत से घर है कहाँ पर। बट वेट भाई, मुझे सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है, शायद गई जही है। भूतिया घर तो और जल्दी से अंदर आपका देखते हैं, पर मैं अपनी गाड़ी को कहाँ पर खड़ी करूँ। एक काम करते हैं, यहाँ पे तो मुझे पार्किंग में दिखाई दे रही है, कई जगह तो बहुत ज्यादा अच्छा है। तो अपनी गाड़ी को मैं यहीं पे खड़ी कर देता हूँ और ऊपर तक चेक करते हूँ। मैं ऊपर में पक्का इविल नन मिलने वाली है और फ्रैंकलिन को बचाते हैं अंदर जाके। गाइस ओ भाई गाइस, ये तो देखने में बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा है और यहाँ पे काफी डरावनी डरावनी आवाज भी आ रही है। मैं यहाँ पे गन निकाल लेता हूँ भाई, अगर यू इविल नन मेरे सामने आएगी ना गाइस तो उसको भूत के मार दूंगा बड़े। यहाँ पे तो और कहीं पे भी मुझे इविल नन नहीं दिखाई दे रही है, एक बार ऊपर जाके चेक करता हूँ भाई। ये तो बहुत ज्यादा गलत सीन हो गया यार, मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि पता नहीं वो फ्रैंकलिन को लेके कहाँ गई और हमारा दोस्त फ्रैंकलिन जिंदा भी है या उसने मार दिया है। तो एक बार मैं यहाँ पे आके चेक कर लेता हूँ बड़े, यहाँ पे भी कोई नहीं। यार वो इविल नन गई तो गई कहाँ पर। अरे भाई ये कौन आ इविल नन, तो फ्रैंकलिन को छोड़ दो यार प्लीज। मैं तेरे दोस्त फ्रैंकलिन को छोड़ दूंगी अगर ये लोग मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो, वरना मैं उसको मार दूंगी। अभी मैं चलती हूँ। अरे इविल नन मेरी बात सुन यार, गाइस देखा हुआ है इविल नन तो ऐसे भाग गई यार, मैं फ्रैंकलिन को कैसे बचाऊँ। तो अभी आप पे डिपेंड करता अगर आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं।